गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में आप सबों का। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रैंकिंग टेस्ट श्रेणी परीक्षण। ये जो है रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और देखा जाता है नॉर्मली कि स्टूडेंट से ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक बेल बटन आएगा घंटी वाला, उस बेल बटन को दबा दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियोज़ हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करें और आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ऐसा करने से आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट श्रेणी परीक्षण। ये दूसरा चैप्टर है आप लोगों का रीजनिंग का और इसमें क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन आएगा कि पांच पुस्तकें ए बी सी डी ई और ई एक मेज पर रखी गई है। पांच पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी गई है। यदि ए को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर तथा बी को ए के नीचे तथा डी को बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो होता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें। तो कुछ नहीं, नॉर्मली समझिए कि एक मेज बना हुआ है इस टाइप का। ठीक है, एक मेज बना हुआ है इस टाइप का, तो इस पर पुस्तकें रखी हुई है तो पुस्तकें इस टाइप में रहेगी अप एंड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपका जो पहला टॉपिक बता रहा है ना, उस टॉपिक को आप लिख लीजिए। पहला पुस्तक क्या कर, पहला टॉपिक कर रहा है कि यदि ए को ई के नीचे रखा जाता है, यदि ई कहाँ रहेगा ऊपर और ए कहाँ रहेगा नीचे। पहला टॉपिक लिख लिया, समझिए इस चीज़ को, स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ पे करना है तब समझ में आएगा। हमने पहला टॉपिक लिखा कि यदि ए को ई के नीचे रखा जाता है तो ई के नीचे ये है। अब उस दूसरे टॉपिक को खोजिए, उस दूसरे लाइन को खोजिए जो ए और ई दोनों में से किसी से एक से रिलेटेड हो, कोई भी। तो देखिए हम लोग यहाँ से आते हैं, तो देखिए ये तो सी और डी का डिस्कस है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। कह रहा है बी को ए के नीचे रखा जाता है, बी को ए के नीचे रखा जाता है तो बी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत। कह रहा है बी को ए के नीचे रखा जाता है, हमने अभी बताया कि पहला लाइन को आप लिख लीजिए। पहला लाइन है कि यदि ए को ई के नीचे रखा जाता है तो ए को ई के नीचे रख दिया। दूसरा लाइन, उस लाइन को ढूंढिए जो या तो ई से संबंधित हो या ए से संबंधित। तो यहाँ पे हमने देखा ये लाइन जो है कि बी को ए के नीचे रखा जाता है। अब तीसरा लाइन, उस लाइन को ढूंढिए जो या तो ई या तो बी या तो ए तीनों में से किसी एक से संबंधित हो। तो देखिए अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ कह रहा है तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को ई के ऊपर, तो ई के ऊपर हमने डी को रख दिया। ठीक है, अब आप जो आपका बचा हुआ लाइन है लास्ट में उसको लिख दीजिए। कह रहा है सी को डी के ऊपर रखा जाता है तो सी कहाँ आ जाएगा, डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर रखा जाता है। अब एक एक लाइन को थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। कह रहा है पाँच पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी गई है। कह रहा है यदि ए को ई के नीचे रखा जाता है, ए को ई के नीचे है रखा हुआ, चलिए ऐसे इस टाइप की पुस्तकें होंगी, एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक, चार पुस्तक, पांच पुस्तक। ठीक है, कह रहा है कि डी ए को ई के नीचे, कोई दिक्कत। दूसरा लाइन देखिए, अब चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, अब लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं। सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। डी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट में प्रश्न करा है कि कौन सी पुस्तक सबसे नीचे रखी हुई है, कौन सी पुस्तक सबसे नीचे रखी हुई है, आंसर हो गया आपका बी आंसर। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, हम डील करते हैं। बोर्ड पे लिखवाना इतना पॉसिबल नहीं है, पर हम आप लोग को दिखाते जाएंगे। अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिए और सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। पहले हम क्वेश्चन आप लोग को लिखा देंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखिए, इसको मिटाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस, ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप हमारे चैनल पे आइए एक बार, और भी रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस की वीडियोस मिलेगी, टाइप बाय टाइप, चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत सारी मिल जाएगी। आप आइए एक बार ड्रीम क्लासेस पे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीकांत, आप लोग लिख लीजिए पहले, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। श्रीकांत ऐसे हम लिख देते हैं, श्रीकांत जो है लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, सुबह नीलिमा से लंबा है, सुबह नीलिमा से लंबा है। फिर अगला कह रहा है लेकिन हेमब्रम से नाटा है, लेकिन हेमब्रम काफ़ी अजीब नाम है पर फिर भी हेमब्रम से नाटा है। फिर कह रहा है नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। कह रहा है यदि इन सबों को ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा कर दिया जाए, यानी पहले सबसे छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करके, तो कतार के मध्य में कौन होगा, सबसे बीच में, तो मध्य में कौन है, सिंपल समझिए। देखिएगा ठीक से लिखा हुआ नहीं है पर कोई बात नहीं, बस हमको तो सॉल्यूशन करना है, आपको सिखाना है नहीं, तो आइए क्लियर करते हैं इस चीज़ को। पहले हम बोले कि सबसे पहला लाइन जो भी लिखा हुआ है आप यहाँ पे उतार दीजिए। देखिए कर रहा है ऐसे कतार में है तो इस टाइप का कतार बनेगा, इधर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे करके हम लोग कतार बनाते हैं। तो कर रहा है श्रीकांत, देखिए सिंपल समझिए, जो बड़ा रहे उसको ऊपर रखिए, जो छोटा रहे उसको नीचे, जो लंबा रहे उसको ऊपर रखिए, जो नाटा रहे उसको नीचे, जो मोटा रहे उसको ऊपर करिए, जो नाटा पतला रहे उसको नीचे, ठीक है। इस टाइप से बनाइए, आपका रैंकिंग टेस्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके तो देखिए कह रहा है श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, तो श्रीकांत जो है, श्रीकांत जो है वो नीलिमा से नाटा है, यानी नीलिमा क्या है, श्रीकांत से लंबी है, तो नीलिमा को आप ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब श्रीकांत और नीलिमा से कोई रिलेटेड टॉपिक को ढूंढिए। करा है प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, तो प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, लेकिन ये तो क्लियर नहीं हो पाया ना कि नीलिमा से भी लंबी होगी। प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है तो ठीक है, प्रतिमा को हम यहाँ पे रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो प्रतिमा को इधर उठा के लेके चलेंगे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, या तो उससे भी ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से इस टॉपिक को आते हैं, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, तो नीलिमा से नाटा श्रीकांत है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, ये पता नहीं कितनी लंबी है, तो इसलिए प्रतिमा को हम इस लंबाई है पर साइड में अभी रखें इसको। फिर कह रहा है सुबह नीलिमा से लंबा है, एक चीज सुबह जो है नीलिमा से लंबा है, तो देखिए नीलिमा से रिलेटेड है तो सुबह को हम यहाँ रख सकते हैं, सुबह जो है वो नीलिमा से लंबा है, ठीक है, नीलिमा से लंबा है, लेकिन हेमब्रम से नाटा है, किसके बारे में, इसको यहाँ फिर से लिखते हैं, रुके बढ़िया से, श्रीकांत नीलिमा सुबह और प्रतिमा को साइड रखते हैं, यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा था इसलिए, हाँ लाइन बाय लाइन फिर से हम लोग आते हैं। पहला टॉपिक है श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, नीलिमा से नाटा है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, श्रीकांत से लंबी है प्रतिमा। फिर कह रहा है सुबह नीलिमा से लंबा है, लंबा है नीलिमा से, लेकिन हेमब्रम से नाटा है, किसके, सुबह के बारे में बोल रहा है कि सुबह जो है वो नीलिमा से तो लंबा है लेकिन हेमब्रम से नाटा है, यानी हेमब्रम उससे लंबा होगा, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि नीलिमा, नीलिमा जो है वो प्रतिमा से लंबी है, तो देखिए प्रतिमा के बारे में कहा गया था कि वो श्रीकांत से लंबा है, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि वो नीलिमा से लंबा है, यहाँ देखिए साफ कर दिया कि नीलिमा जो है वो प्रतिमा से लंबी है, यानी प्रतिमा कहाँ रहेगी, यहाँ पे, इसको मिटाइए। अब क्लियर हो गया, देखिए प्रतिमा श्रीकांत से भी लंबी है और नीलिमा से नाटी है, यानी बीच में कौन आ गया, प्रतिमा, तो मध्य में कौन बैठा है, एक दो तीन चार पाँच व्यक्ति है ना। देखिए पहले में कौन आया, पहले बैठा हेमब्रम सबसे लंबा हो गया, उसके नीचे आया सुबह, फिर आई नीलिमा, फिर आई प्रतिमा, फिर आया श्रीकांत,
तो प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है, मध्य में बैठा हुआ है नीलिमा, बस हो गया क्लियर। तो अपने कॉपी में इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी और क्वेश्चन पे डील करते हैं हम लोग एक एक दो क्वेश्चन, ताकि जो है आपका जो कंसंट्रेशन माइंड का जो है ना वो एकदम बना हुआ रहे। और एक देखिएगा, पिछला वीडियो जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का बनाया है वो अभी सिर्फ पार्ट वन ही हुआ है, अभी उसमें दो तीन पार्ट्स और आपको डालना है, ताकि कोडिंग डिकोडिंग जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए उसमें दो तीन पार्ट्स और चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से लंबा, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए, यदि नहीं ऐसे लिखे ना, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन लेकिन बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, डी से नाटा है बी, लेकिन डी से नाटा है। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। देखिए सिंपल वे में हम समझाते हैं एकदम आराम से। पहला लाइन बोले थे कि पहला लाइन आप अपनी कॉपी से लिख लीजिए, कह रहा है ए जो है बी से लंबा है, है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। फिर कह रहा है बी सी से लंबा है, यानी सी जो है वो बी से नाटा होगा, बी सी से लंबा है, ठीक है। देखिए फिर से, ए बी से लंबा है, ए जो है वो बी से लंबा है, लेकिन बी जो है वो सी से लंबा है, यानी सी नाटा होगा, लेकिन डी से नाटा है। तो जस्ट वेट कीजिएगा, कह रहा है ए बी से लंबा है, ठीक है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, तो बी जो है वो सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है। तो डी तो यहाँ भी रह सकता है, यानी डी लंब, डी के बारे में, बी के बारे में कह रहा है कि बी सी से तो लंबा है लेकिन डी से नाटा है, तो डी जो है वो बी से लंबा होगा। तो देखिए ये कन्फर्म नहीं हम लोग हो पा रहे हैं कि डी यहाँ पर रहेगा, हो सकता है डी सबसे लंबा रहे, हो सकता है ए ही सबसे लंबा रहे। तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं। देखिए फिर से एक बार आते हैं कि ए बी से लंबा है, ए जो है वो बी से तो लंबा है और बी सी से लंबा है, तो बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी डी रह सकता है, हो सकता है डी सबसे लंबा हो, यहाँ पे रह सकता है। तो प्रश्न कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ए होगा या डी, क्योंकि साफ साफ ए और डी के बारे में नहीं कहा गया है कि ए डी से लंबा है या डी ए से लंबा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए या डी। इसको आप बाय ऑप्शनल भी चेक कर सकते हैं, जो आपका ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप उसका आंसर लिख दीजिएगा। तो आंसर हो गया ए या डी। एक क्वेश्चन और डील करते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, समझिए इस चीज को, पांच व्यक्ति, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, डी ए से आगे हैं, पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, बी का अनुसरण कर रहा है। अनुसरण करने का मतलब हुआ उसके पीछे पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है। तो पूछ रहा है कि कतार में मध्य में कौन आएगा, सबसे बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है या चल रहा है, सॉरी। तो देखिए जो पहला लाइन है उसको लिख दीजिए, इस टाइप की अगर सड़क हम इस टाइप का बनाते हैं कि इधर से सड़क स्टार्ट होकर उधर चल रही है, तो कह रहा है डी जो है वो ए से आगे है, तो डी देखिए है ए से आगे, ए को आगे कर दिए। आप इन दोनों से रिलेटेड कोई टॉपिक ही बोलिए, कह रहा है कि सी ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में आने के लिए बी को यहाँ तो नहीं रख सकते, क्योंकि बी जो है ऑलरेडी ए के आगे डी है, तो कह रहा है सी ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में सी हुआ, क्योंकि बी यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी बता रहा है कि डी जो है ए के आगे, आगे एकदम ए है, और फिर कह रहा है सी ए और बी के बीच में, तो सी ए और बी के बीच में सी है। फिर कह रहा है ई जो है
बी का अनुसरण कर रहा है, यानी ई जो है बी के पीछे पीछे जा रहा है, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच व्यक्ति, तो पूछ रहा है मध्य में कौन होगा, मध्य में आपका हो जाएगा सी आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी इसमें दो पार्ट और बनेंगे, तो अगर आपको पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड है, ये पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री चाहिए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिए, और आपके कमेंट करने के जस्ट कुछ ही घंटों या अगले दिन हम पार्ट टू और पार्ट थ्री अपलोड कर देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू आया कीजिए।